प्रज्ञानानंदा ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक बार फिर हराया। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हापुड़ हलचल। ये खास खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। 21 मई भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंदा रमेश बाबू ने चेसिबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 5वें दौर में विश्व चैंपियन को मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। इस 16 साल के भारतीय खिलाड़ी की मौजूदा सत्र में नॉर्वे के दिग्गज ग्रैंड मास्टर पर सत्र की दूसरी जीत है। उन्होंने 3 महीने पहले भी कार्लसन को हराया था। चेन्नई के खिलाड़ी ने शुक्रवार को कार्लसन की एक बड़ी गलती का फायदा उठाते हुए 3 अहम अंक हासिल किए। इस जीत में वह नॉकआउट दौर में जगह के लिए बनाए रखने के दौड़ में बने हैं और वह हालांकि इस जीत से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से जीत दर्ज नहीं करना चाहता था, यहां मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नॉर्वे के खिलाड़ी ने 40वीं चाल में गलती की और प्रज्ञानानंदा ने इसका फायदा उठाते हुए मुकाबला अपने नाम कर दिया। प्रज्ञानानंदा ने अगले दौर में एक अन्य भारतीय खिलाड़ी हरिकृष्णा के साथ ड्रॉ खेला और फिर उन्होंने गावेन जोन्स को हराया। उन्हें हालांकि दिन के अपने आखिरी मुकाबले में डेविड गुई जारो से हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानानंदा $1.5 लाख इनामी राशि वाले टूर्नामेंट में 12 अंक के साथ तालिका में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। चीन के वे ये पहने और कार्लसन दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानानंदा ने इससे पहले फरवरी में कार्लसन को हराया था। वह इस खिलाड़ी के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले सिर्फ 3रे भारतीय बने थे। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।